हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम सोशल सिक्योरिटी के 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये आपके 100 मॉक टेस्ट होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, मेरे आंसर का वेट मत किया करिए। क्वेश्चन आए तो फटाक से उसको आंसर करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा करीब है और आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सीरीज करने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं हर एक दिन आपको एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आऊँगी आपके EPFO एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ पूछने के चांसेस ज़रूर होंगे क्योंकि वो आपके सिलेबस का ही क्वेश्चन होगा। तो आपका इसी बहाने आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे और क्योंकि आप इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपका खुद का टेस्ट लेने का भी मौका मिल जाएगा। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग जो मैं क्वेश्चन दूँ उसका आंसर करिए। आंसर करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप इंटरेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बना रहेगा। अगर आपके आंसर सही हो जाते हैं तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और अगर उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे तो 50% तो आप ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और कॉन्फिडेंट ही एग्ज़ाम देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जो भी मैं क्वेश्चन करूँ उसको आप आंसर करिए क्योंकि मैं चाहती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पे मेरे माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन तैयार कराऊं। इसलिए मैं हर एक दिन आपके लिए एकदम चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आऊँगी जो कि प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में हो या फिर जो सेलेक्टेड हों वो जिस वेबसाइट पे डालते हों उनके क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और जैसे आज मंडे से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो हर वीक यानी संडे को मैं टॉप 5 के नाम अनाउंस करूँगी जिन्होंने सबसे पहले और सही क्वेश्चन का आंसर किया हो, सही आंसर किया हो क्वेश्चन का। आज का आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स कैन बी कंबाइंड अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा लाभ जोड़ा जा सकता है? आपके ऑप्शन है मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड मेडिकल बेनिफिट्स यानी मातृत्व लाभ और चिकित्सा लाभ, सिकनेस बेनिफिट्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स यानी बीमारी लाभ और मातृत्व लाभ, सिकनेस बेनिफिट्स एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट्स फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट यानी अस्थायी विकलांगता के लिए बीमारी लाभ और विकलांगता लाभ, और आपका चौथा ऑप्शन है मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड डिसेबलमेंट बेनिफिट्स फॉर टेम्पररी डिसेबलमेंट यानी अस्थायी विकलांगता के लिए मातृत्व लाभ और विकलांगता लाभ। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से आंसर करिए कि कौन सा आंसर आपका सही है। इसके आंसर मैं आपको राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। देखना चाहती हूँ मैं कि कितने लोग अब तक तैयारी करके बिल्कुल तैयार हैं आंसर करने के लिए। चलिए चलते हैं आज के MCQs पर। सोशल सिक्योरिटी का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये जो मॉक टेस्ट मैं करा रही हूँ वो अफरोज़ अख्तर सर की बुक से करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन की आकस्मिकताएं हैं? आंसर करिए अपना। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी, बीमारी भी, मातृत्व भी और दुर्घटना भी। ILO के अनुसार जीवन की आकस्मिकताएं हैं बीमारी, मातृत्व और दुर्घटना। ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए मुख्य रूप कौन है? इसमें से बताइए कौन है मुख्य रूप। सही जवाब होगा सामाजिक बीमा और सामाजिक सहायता दोनों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में कौन नहीं है? इसमें से कौन सा सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब होगा श्रम आपूर्ति को घटाना सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, जबकि उत्पादकता में वृद्धि है, आय को सुचारू रखना भी है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी सोशल सिक्योरिटी है, लेकिन श्रम आपूर्ति को घटाना ये सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। क्या पूछा था? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा किस रूप में दी जा सकती है? आंसर करिए अपना। सही जवाब होगा प्रकार में, नगद में, सेवाओं या सुविधाओं में। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी में। नेक्स्ट, भविष्य निधि उदाहरण है, भविष्य निधि किसका उदाहरण है? सही जवाब होगा सामाजिक बीमा हित लाभ का उदाहरण है भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत बीमित कर्मचारी को किस प्रकार के हित लाभ दिए जाते हैं? सही जवाब होगा प्रसूति हित लाभ, आश्रित हित लाभ, बेरोजगारी हित लाभ। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी पेंशन योजना लागू की गई है, कब लागू हुई है कर्मचारी पेंशन योजना? सही जवाब होगा 1995 में, 1995 में कर्मचारी पेंशन योजना लागू हुई है। योजना का डायरेक्ट संबंध आपके सोशल सिक्योरिटी से है, सोशल सिक्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन योजना से है, तो आपका योजना अगर तैयार है तो सोशल सिक्योरिटी आपका तैयार है। योजना का वीडियो मैंने अलग से तैयार किया है जो कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, ज़रूर से उसको जा करके देखिए, सोशल सिक्योरिटी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम कब लागू किया गया है? सही जवाब होगा 2014 में, 2014 में। अगला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, यहाँ पे आपको नीचे कोड दिया हुआ है, कोड के माध्यम से आप बताएंगे कि कौन सा सही आंसर होगा, यानी कौन सा यहाँ पे मैच किए जा सकते हैं। एक तरफ आपके दिए हुए हैं प्रसूति हित लाभ या योजना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोशल सिक्योरिटी का डायरेक्ट संबंध योजनाओं से है, और ये वर्ष जब वो लागू हुए हैं, ठीक है। तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा वो सारे आप कोड देख लीजिए, बम्बई प्रसूति हित लाभ अधिनियम कब स्टार्ट हुआ? 1929 में। खान प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1941 में। केंद्रीय प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1961 में। मद्रास प्रसूति हित लाभ अधिनियम 1934 में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 4, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? सही जवाब होगा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सार्वजनिक सामाजिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय योजनाएं हैं, बताइए कौन सी राष्ट्रीय योजनाएं हैं? राष्ट्रीय परिवार हित लाभ योजना, प्रसूति हित लाभ योजना और राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, ये सारे ही सही जवाब होगा उपर्युक्त तीनों सार्वजनिक सामाजिक सहायता योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, बताइए कब पारित किया गया है? 2008 में। नेक्स्ट, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत लाभ पाने की योग्यता शर्त क्या है, बताइए कि शर्त क्या है लाभ पाने की योग्यता? सही जवाब होगा महिला मातृत्व की संभावित तिथि से एक वर्ष पहले की अवधि से संस्थान में कम से कम 80 दिनों तक कार्य किया गया है, 80 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व प्राप्त करने की विधि मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 के किस धारा के अंतर्गत आता है, बताइए किस धारा के अंतर्गत आता है? धारा 6 के अंतर्गत, धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 की धारा 11 ए के अंतर्गत शिशु गृह की सुविधा प्रत्येक प्रतिष्ठान में कुल कितने महिला कर्मचारी पर दी जाएगी, बताइए अपना आंसर करिए, कितने कर्मचारी पर दी जाएगी महिला कर्मचारी पर? सही जवाब होगा 50 या अधिक, 50 या अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार किसे वित्तीय सहायता प्रदान करती है? सही जवाब होगा वृद्ध के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए, विधवा के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना है, बताइए आंसर करिए, मासिक पेंशन योजना जो 60 वर्ष या अधिक आयु के भारतीयों को कवर करती है, वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था योजना। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा है कितनी है? लाभार्थी की आयु सीमा 18 से 64 वर्ष, 18 to 64 ईयर। नेक्स्ट, अन्नपूर्णा योजना संबंधित है, किससे संबंधित है अन्नपूर्णा योजना? खाद्य सुरक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार आश्वासन योजना का उद्देश्य नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा रोजगार आश्वासन योजना का उद्देश्य नहीं है? राजनीतिक विकास का कोई भी संबंध नहीं है, सामाजिक विकास है, निरंतर रोजगार है और आर्थिक विकास है, लेकिन राजनीतिक विकास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई है, कब स्टार्ट की गई है? राइट आंसर होगा 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। बहुत ज़्यादा इजी है, सारे योजनाओं से रिलेटेड है, अगर आपने देखा होगा तो फटाफट आंसर कर रहे होंगे। सही जवाब होगा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, नवजात मृत्यु दर को कम करना, प्रसव और उसके बाद देखभाल के साथ नगद सहायता प्रदान करना। सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, कारीगर समुदाय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही जवाब होगा, राइट आंसर करिए अपना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। कारीगर समुदाय को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना को किस माध्यम से प्रशासित किया गया है? सही जवाब होगा भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आयु सीमा क्या है? आंसर करिए अपना, लाभार्थी की आयु सीमा क्या होगी? 18 to 59 ईयर, 18 से 59 वर्ष। नेक्स्ट, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कुल वार्षिक प्रीमियम प्रति लाभार्थी कितना है? सही जवाब होगा 200 रुपये, 200 रुपीज़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अधीन है? बताइए कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किस मंत्रालय के अधीन है? सही जवाब होगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना है, अब ये सारे आपके पास कोड हैं, बताइए कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा सही होगा? सारे पहले ऑप्शन देख लीजिए डी तक, इसमें से अटल पेंशन योजना कौन कौन सी है? ऑप्शन देख लिया आपने, अब आपको नीचे मैं कोड दिखाती हूँ। सही जवाब होगा ए सी और डी, जो है वो सही है, ए सी और डी सही है, यानी इसमें से अटल पेंशन योजना कौन कौन सी है? अटल पेंशन योजना है एक केंद्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजना। इस योजना से 18 से 40 वर्ष आयु के व्यक्ति जुड़ सकते हैं। ये योजना पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी पर्दा द्वारा संचालित की जाती है। ए सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में इसमें से कौन सा सही नहीं है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में सही जवाब होगा ये बीमा 18 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, ये सही नहीं है। बाकी आप सारे ऑप्शन दे सकते हैं कौन कौन से सही है। जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम 330 रुपये है, मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि देय है, मृत्यु की स्थिति में बीमा की राशि नामित व्यक्ति को दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? सही जवाब होगा 2 लाख रुपए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस प्रकार के किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपीज की राशि 3 समान किस्तों में प्रत्येक 4 माह पर दिया जाएगा? सही जवाब होगा ऐसे किसान जिनकी कुल भूमि हेक्टेयर से कम हो, ऐसे किसान जिनकी कुल भूमि हेक्टेयर से कम हो, लाभार्थी किसान की आयु 18 to 40 ईयर हो। सही जवाब होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए बीमाकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब होगा भारतीय जीवन बीमा निगम को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत किस प्रकार के व्यापारियों को सम्मिलित किया गया है? सही जवाब होगा सभी दुकानदार को भी सम्मिलित किया गया है, खुदरा व्यापारी को शामिल किया गया है, स्वनियोजित व्यक्ति को भी शामिल किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस योजना का पात्र होने के लिए आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए? आंसर करिए। सही जवाब होगा प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लघु इकाई उद्यमी की वृद्धि, विकास और धन की जरूरतों को दर्शाने के लिए तीन उत्पाद के नाम है, बताइए वो तीन उत्पाद कौन-कौन से हैं? सही जवाब होगा शिशु, किशोर और तरुण, वो तीन नाम है शिशु, किशोर और तरुण। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, सही जवाब होगा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना है। नेक्स्ट, इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के बारे में क्या सही है? सारे ऑप्शन देख लीजिए, इसमें क्या सही है? सही जवाब होगा ए, बी, सी और डी, सारे ही सही हैं। इम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के बारे में जितने भी यहाँ पे दिया हुआ है सारे ही सही है कि इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, ये संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवानिवृत्त होने पर पेंशन के रूप में दिया जाता है। योजना का लाभ उन्हीं कर्मचारियों को मिलता है जो कम से कम 10 सालों के लिए सेवा प्रदान की हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी और डी सारे ही सही हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सही जवाब होगा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किस वर्ष सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष किया गया है? सही जवाब होगा 1952 में किया गया है, 1952 में। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब से प्रभावी हुआ है? कब से प्रभावी हुआ है? सही जवाब होगा 15 अगस्त 1955 से, 15 अगस्त 1995 से। नेक्स्ट, संगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा निम्नलिखित में किन 5 केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की जाती है? सही जवाब होगा ईएसआई, ईएसआई के द्वारा, ईपीएफ के द्वारा, ग्रेच्युटी भुगतान के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, दास उन्मूलन के लिए भारतीय दास अधिनियम कब पारित किया गया है? आंसर करिए अपना। सही जवाब होगा 1843 को पारित किया गया है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कौन है? इसमें से बताइए कौन है सर्वप्रथम भारत का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम? सही जवाब होगा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम। नेक्स्ट, जब किसी समाज को वहां के उपर्युक्त संगठनों द्वारा उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान किया जाता है जो विशिष्ट जोखिमों जैसे बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु, मातृत्व, बुढ़ापा एवं बेरोजगारी से पीड़ित हो, उस प्रकार की सुरक्षा को सामाजिक सुरक्षा कहा जाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? बताइए किसके द्वारा दी गई है? सारे ऑप्शन देखिए। सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, आईएलओ के द्वारा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ की स्थापना किसके उपरांत की गई है? आंसर करिए। सही जवाब होगा प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। नेक्स्ट, वीवी गिरी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसमें से बताइए वीवी गिरी के द्वारा कौन सी बुक जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है?
राइट आंसर होगा भारतीय उद्योग में श्रमिकों की समस्या, भारतीय उद्योग में श्रमिकों की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत प्रीमियम की वार्षिक राशि कितनी है? प्रीमियम की वार्षिक राशि है 12 रुपए, 12 रुपीज। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह यानी SHGS द्वारा उत्पादित उत्पादों की मार्केटिंग करने हेतु किस ई कॉमर्स कंपनी के साथ में साझेदारी की गई है? सही जवाब होगा अमेजन के साथ में, अमेजॉन के साथ में। नेक्स्ट, प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए प्रारंभ की जाने वाली ग्रामीण सार्वजनिक कार्य योजना इसमें से कौन सी है? सही जवाब होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूति मातृत्व हित लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के अंतर्गत एक स्त्री श्रमिक को कितने दिनों की छुट्टी देने का प्रावधान किया गया है? सही जवाब होगा 26 सप्ताह के लिए, 26 वीक के लिए। नेक्स्ट, नियोजक द्वारा वित्त पोषित अधिनियम है। सही जवाब होगा उपदान संदाय, प्रसूति हित लाभ, कर्मकारी क्षतिपूर्ति। राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा का लाभ किसे आधार मानकर के तय किया जाएगा? सही जवाब होगा प्रतिष्ठानों का आकार, कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों के वेतन के आधार पे, प्रतिष्ठानों के आकार के आधार पे, कर्मचारियों की संख्या के आधार पे और कर्मचारियों के वेतन के आधार पे आधार मान करके इसको तय किया जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 के अनुसार संदाय की राशि उस कर्मचारी को देय होगी जो किसी प्रतिष्ठान में कम से कम 5 वर्षों से काम कर रहा हो। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार 5 वर्ष की समय अवधि को घटा करके कितना किया गया है? सही जवाब होगा 3 वर्ष, 5 वर्ष की अवधि घटा करके सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अनुसार 5 वर्ष की अवधि को कम करके 3 साल कर दिया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्र सुरक्षा बोर्ड में असंगठित श्रमिकों की सदस्य संख्या को कितना किया गया है? सही जवाब होगा 5 से बढ़ा करके 10 कर दिया गया है। नेक्स्ट, श्रेयस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए श्रेयस योजना का उद्देश्य क्या है मुख्य? सही जवाब होगा, सारे ऑप्शन देखते रहिए, सही जवाब होगा पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करना, कौशल विकास, गुणवत्ता वाले मानव संसाधन उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर होगा सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाता है, क्या प्रदान की जाती है? सही जवाब होगा 19 वर्ष से अधिक आयु की गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं को पहले 2 जीवित बच्चों की स्थिति में 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु होने पर पेंशन का कितना परसेंट उनकी पत्नी को देय होगा? आंसर करिए, सही जवाब होगा 50%। नेक्स्ट, मातृत्व हित लाभ अधिनियम के अनुसार महिलाओं को चिकित्सा बोनस दिया जाता है, कितना चिकित्सा बोनस दिया जाता है? सही जवाब होगा 3,500 रुपीज, 3,500 रुपये। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना को कैशलेस बनाने के लिए सरकार ने इनमें से किसके साथ में साझेदारी की है? सारे ऑप्शन देखिए, किसके साथ में साझेदारी की है? सही जवाब होगा नीति आयोग के साथ में। नेक्स्ट, मुद्रा बैंक निम्नलिखित में किसका सहायक है? किसका सहायक है मुद्रा बैंक? सही जवाब होगा सिडबी का। नेक्स्ट, मुद्रा कार्ड है, कौन सा कार्ड है मुद्रा कार्ड? सही जवाब होगा मुद्रा कार्ड रुपए बॉन्ड का डेबिट कार्ड है, रुपए बॉन्ड का डेबिट कार्ड है मुद्रा कार्ड। नेक्स्ट,
कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राइट आंसर होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत बीमा निधि का तात्पर्य है, किससे बीमा निधि का तात्पर्य है? सही जवाब होगा जमा लिंक बीमा निधि से। नेक्स्ट, नियोजक द्वारा कितने परसेंट का अंशदान भविष्य निधि में किया जाता है? नियोजक के द्वारा सही जवाब होगा 12%, 12%। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत कितने रुपए वेतन प्राप्त करने वाले को कवर किया जाता है? कितने रुपए वेतन प्राप्त करने वाले को? सही जवाब होगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू करने हेतु कितने कर्मचारी होने चाहिए? सही जवाब होगा 20 या इससे अधिक। नेक्स्ट, पर्दा यानी PERDA का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पर्दा का सही जवाब होगा दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब पारित हुआ है? सही जवाब होगा 2005 में। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के लाभार्थी श्रमिकों की न्यूनतम और अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 18 न्यूनतम और अधिकतम 40 वर्ष। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण दिया जाता है, किसके द्वारा ऋण दिया जाता है? सही जवाब होगा कमर्शियल बैंक के द्वारा, लघु वित्त बैंक के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत न्यूनतम और अधिकतम पेंशन राशि प्रति माह कितने रुपए है? न्यूनतम राशि है 1,000 और मैक्सिमम है 12,000। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत मासिक प्रीमियम की न्यूनतम और अधिकतम राशि प्रति माह है कितनी है? न्यूनतम है 55 रुपये और अधिकतम है 200 रुपये। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को कितने वर्ष की आयु के बाद प्रत्येक महीने पेंशन प्राप्त किया? सही जवाब होगा 60 वर्ष, 60 ईयर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान नहीं है? इसमें बतानी है आपको कि नहीं है, आर्टिकल 25 में नहीं है सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। बाकी आपकी आर्टिकल 39 क में है, आर्टिकल 42 में है, 43 में है, लेकिन 25 में नहीं है। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना का स्वरूप है कौन सी योजना है? सही जवाब होगा गारंटीकृत पेंशन योजना। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 80 करोड़ गरीब नागरिकों को दिया जाएगा, कितना मुफ्त दिया जाएगा? सही जवाब होगा 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्देश्य क्या है? सही जवाब होगा COVID-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देना, नई भर्ती करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देना। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के संबंध में इसमें सही कथन कौन सा है? बताइए, इस सारे कथन को पढ़िए, बताइए कि सही कथन कौन सा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के संबंध में
पहला कथन है कि इसके अंतर्गत छोटे दुकानदारों और कारोबारियों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, ये भी सही है। दुकानदारों को त्वरित लोन की सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। सभी छोटे व्यापारी या दुकानदार जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ वार्षिक है और जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है, वो लाभार्थी होंगे। राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के लिए नोडल एजेंसी चुना गया है, किसको? सही जवाब है LIC को। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक कारोबारियों तथा व्यापारियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 ईयर। 18 न्यूनतम, 40 मैक्सिमम, अधिकतम। नेक्स्ट, PM कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रीमियम की राशि न्यूनतम और अधिकतम प्रति माह देय होगी। न्यूनतम होगी ₹55 और अधिकतम ₹200। नेक्स्ट, PM कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूरा होने पर पेंशन की राशि कितनी दी जाएगी? पेंशन ₹3,000 प्रति माह दी जाएगी, मंथली। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM वय वंदना योजना के अंतर्गत अगर देश के वरिष्ठ नागरिक मासिक पेंशन का या वार्षिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो उन्हें 10 वर्षों तक कितना ब्याज मिलेगा? सही जवाब होगा 8%, 8% मंथली मासिक और 8.3% वार्षिक ईयरली। नेक्स्ट, प्राण का विस्तृत रूप है PRAN का फुल फॉर्म क्या होगा? P फॉर परमानेंट, R फॉर रिटायरमेंट, A फॉर अकाउंट एंड N फॉर नंबर। परमानेंट, रिटायरमेंट, अकाउंट, नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल पेंशन योजना के लाभार्थियों को किस अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ का प्रावधान है? किस अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ का प्रावधान है? सही जवाब होगा आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना संचालित किया जाता है, किसके द्वारा संचालित किया जाता है? सही जवाब होगा LIC के द्वारा, भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। नेक्स्ट, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभार्थी को दिया जाता है कौन सी बीमा दी जाती है? सही जवाब होगा दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, धन वापसी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत दिया जाता है क्या दिया जाता है? सही जवाब होगा ESIC के बीमित व्यक्तियों को नौकरी छूटने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत ESIC के बीमित व्यक्तियों को नौकरी छूटने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। कर्मचारियों को चिकित्सा बीमा दिया जाता है, इसका लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो किसी कंपनी में 2 साल से काम कर रहे हों। तो ये सारे ही जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है 18 वर्ष से 18 ईयर से 59 तक के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मृत्यु की स्थिति में देय राशि है कितनी राशि है? देय 2 लाख। नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस योजना का एक भाग है? सही जवाब होगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का। नेक्स्ट, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कितना अंशदान किया जाता है? राइट आंसर होगा 75% अंशदान किया जाता है। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मनरेगा मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? सही जवाब होगा 20 रुपए की। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना क्या है? आयुष्मान भारत योजना क्या है? ये स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किन दो योजनाओं को शामिल किया गया है? सारी योजना पढ़िए और बताइए कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत किन दो योजनाओं को शामिल किया गया है? सही जवाब होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से अधिनियम के अंतर्गत अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है? मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1923 के अंतर्गत और कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत अंशदान की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होगा? मुद्रा का फुल फॉर्म होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कर लाभ मिलता है, कितने रुपए कर लाभ मिलता है? 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिए कितने रुपए वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में आवंटित किए गए हैं? 850 करोड़ रुपए, 850 करोड़ रुपए। तो इसी के साथ आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।